लोग कह रहे हैं कि आंदोलन कैसे चलाएंगे आप लोग, कैसे लड़ेंगे हुकूमत से, आप तो बेसरो सामान है, अदालत का रवैया भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कब तक माएं बहनें सड़कों पर बैठी रहेंगी, कब तक लड़ेंगे आप इस आंदोलन को? तब मैं बड़े यकीन और बड़े ईमान की बुनियाद पर यह कहता फिर रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, मुंसिफों से। मेरी आंखों के सामने पूरा सीमांचल बैठा है, ढोल मारी, साल मारी, नाम भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत हैं कि जोड़ते जाइए तो अपने आप मिसरा लगता जाता है, शायरी बनती जाती है। कटिहार इससे पहले एक बार कभी आना हुआ था, वो भी तब जब सैलाब आया था, तो कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर के मैं आया था किशनगंज और पूर्णिया, अररिया और कटिहार के कुछ हिस्सों में। उसके बाद बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि आपके बीच आऊंगा, फिर इन दिनों फारूक मेरे पीछे पड़ गए, और ऐसा इंसान जिसके पीछे पड़ जाए आप समझ सकते हैं उसे मजबूर हो के आना ही पड़ेगा। आजकल ये अमित शाह के पीछे पड़े हैं, देखना है अमित शाह कब इन्हें अपने पास बुलाते हैं। अच्छा यही रहेगा कि अमित शाह इन्हें अपने पास बुलाएं, इनके पास ना आए तो बेहतर रहेगा। हम दुआ करते हैं, मैं हाजिर हूं आपके बीच में, मैं कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। और मेरे हिंदुस्तान के लोगों, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि नहीं, अब वो हमसे कागज का टुकड़ा मांगेंगे तब हमें वो हिंदुस्तानी मानेंगे। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन दो एहसान परामोश ऐसे निकले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते कि आपके पुरखों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, इस मिट्टी को अपने लहू से अपने पसीने से सींचा, हम नहीं मानेंगे। मानेंगे तो सिर्फ कागज का टुकड़ा मानेंगे, कागज का टुकड़ा लाओ तब साबित होगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। मैं तो अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं कि अमित शाह साहब, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। और माँ बेटे के रिश्ते का सर्टिफिकेट हम किसी अमित शाह को नहीं देंगे, किसी नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, किसी योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क को अपने लहू और पसीने से सींचा है। वो क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले एनआरसी आएगा, फिर सीए आएगा, फिर घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। कौन घुसपैठिया अमित शाह साहब? हम और घुसपैठिए नहीं, हम घुसपैठिए नहीं, आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं जो बर्मा में पैदा हुए थे और आकर के हिंदुस्तान में सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं हैं, हमारे पुरखे घुसपैठिए नहीं है। आप हमें डराओगे, आप हमें धमकाओगे, आप हमें नोटिस दोगे और सोचोगे कि हम डर जाएंगे तो नहीं। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की है। जरा मुझे
उनके बताइएगा, मुझे ऐसा न लगे कि आप थक गए। थके नहीं है ना, जोश अभी बाकी है ना। फारूक ने आपसे इतने नारे लगवा दिए कि मुझे लग रहा है दोपहर में खाना भी नहीं खाया है आपने, तो ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। लेकिन ये सीमांचल है, यहाँ से उठी हुई आवाज दिल्ली तक जाती है, पटना तक तो जाती ही जाती है। मैं नज्म पढ़ता हूँ आपकी शिरकत और आप सारे लोगों की। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। एक दोस्त ने कहा एक करोड़ का नोटिस आया है, अब तो डर गए होगे। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। पिछले दो महीने से आपका आंदोलन चल रहा है, हौसला मत तोड़िएगा, बस कुछ दिन और, क्योंकि मेरा ईमान मेरा यकीन ये कहता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। ढोलमारी वालों, एक एक शख्स शामिल होगा जो दुआ में करने जा रहा हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। ये उत्तर प्रदेश में जो 19 लाशें बिछी हैं, उनकी माओं की आहें बेकार नहीं जाएंगी। शाहीन बाग में 90 साल की अस्मा खातून की बद्दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। शाहीन बाग में वो माँ जिसने अपने 4 साल के बच्चे को लगने की वजह से आंदोलन में कुर्बान कर दिया, उस मां की आंखें बेकार नहीं जाएंगी। इमरान का यकीन बोलता है, आपका भी यकीन इसमें शामिल हो कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। ये नोटिस, ये पुलिस के मुकदमे, ये धमकियां, जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कटिहार वालों, एक बहुत लंबा सा सफर तय करके वापस जाना है। आप भी बहुत सुबह से यहाँ पे इकट्ठा है, आप जहाँ हैं मैं चाहता हूँ कि सारे लोग खड़े हो जाएं ताकि हम राष्ट्रगान से इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले, उससे वहां आप बैठे रहे, आधा बॉम्बे समझ सकता था, आपके पैर दुखने लगे थे सुबह से बैठे बैठे, तो आप जहां हैं जैसे हैं बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएं। ये जो कुछ बच्चों के हाथों में तिरंगा है, इन तिरंगों को बुलंद कर दे, इन तिरंगे को बुलंद कर दे। ये जो लहराता हुआ तिरंगा है, मैं इसे देख रहा हूँ।